हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर एक बार स्टडी स्मार्ट के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने कल की क्लास में गठन से पहले के मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में समझा था, यानी कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी, और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जब राज्य बने तो मध्य प्रदेश की उस समय स्थिति क्या थी, भौगोलिक स्थिति क्या थी। दो टाइप से हमने वहाँ पे समझा था, पहले 1946 से पहले वाला मध्य प्रदेश, उसके बाद 1946 से 1956 तक का मध्य प्रदेश। आज की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की हम वो स्थिति समझेंगे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, किस तरीके से कौन कौन से राज्यों को मिलाकर इसका गठन हुआ, किस राज्य का कौन सा भाग मध्य प्रदेश से अलग किया गया और कौन से भाग को इसमें मिलाया गया। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, समझने के लिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी आप, और बेल आइकन को प्रेस करिए, और वीडियो जब आप पूरा देखें अगर पसंद आए तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो स्थिति बनी हुई है, आपके पास ये जो डायग्राम बना हुआ है, यह है 1956 से पहले वाला भाग, जब मध्य प्रदेश तीन राज्यों का संगठन था, यानी कि तीन अलग अलग राज्य थे इसमें, जैसे कि स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। इसको मध्य प्रांत कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखना, इसको हमने कल भी पढ़ा था, मध्य प्रांत, ठीक है। मध्य प्रांत और मध्य भारत दो अलग स्टेट थे, और तीसरा स्टेट था विंध्य प्रदेश। अब क्या हुआ, देश के आज़ाद होने के बाद जब कई राज्यों के गठन हुए तो जो मद्रास प्रांत था वहाँ पर एक सज्जन थे पोट्टी श्री रामालू, उन्होंने वहाँ पर अनशन स्टार्ट किया, और अनशन था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए इसको लेकर। यानी कि कई राज्य ऐसे बने थे जिनमें एक ही राज्य में दो से अधिक या फिर दो भाषाएं बोली जाती थी। अब वहाँ पर इसको लेके विरोध स्टार्ट हो गया कि जिन राज्यों में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का एक अलग ही राज्य बनाया जाए, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, ठीक है। 58 दिन के अनशन के बाद पोट्टी श्री रामालू जी, जो श्री रामालू हैं, उनका निधन हो गया, और इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा हिंसक आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन के बाद आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर गठन किया गया। उस तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसका भाषाई आधार पर गठन हुआ था 1953 में। उसके बाद सरकार ने 1953 में एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए फजल अली, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है, फजल अली। इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किस तरीके से किया जाए, और इन्होंने 1956 को केंद्र सरकार को रिपोर्ट अपनी सौंपी, और उसके हिसाब से कई राज्यों का गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को उसी में मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ। कब गठन हुआ मध्य प्रदेश का? 1 नवंबर 1956 को। तो भाषाई आधारों पर जब फजल अली आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई तो उस राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए, मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसमें कितने परिवर्तन आए, यानी कि कौन कौन से भाग हैं जिनको मध्य प्रदेश से अलग किया गया या मध्य प्रदेश में जोड़ा गया, तो एक एक करके समझेंगे आपको। ये तीन स्टेट, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, ये तीन अलग अलग राज्य थे 1956 से पहले, इन तीनों राज्यों को कैसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया पूरा समझेंगे, डायग्राम भी समझेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करें
स्टेट ए में क्या परिवर्तन किए गए जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, यानी कि पार्ट ए में क्या परिवर्तन किए गए जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो ये ज़्यादातर जो भाग है बरार या फिर सीपी वाला, ये महाराष्ट्र, आज के महाराष्ट्र और तत्कालीन बॉम्बे प्रांत से लगा हुआ था। इसके कुछ ऐसे भाग थे जहां पर मराठी भाषा अधिकतर बोली जाती थी, तो उन भागों को अलग किया गया। अब कौन कौन से भाग थे, तो इधर देखेंगे हम, बुलडाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये जो आठ भाग थे जो कि वर्तमान पार्ट ए का हिस्सा थे, इनमें मराठी भाषा बोली जाती थी, इसलिए इनको अलग करके महाराष्ट्र तत्कालीन बॉम्बे प्रांत में मिलाया गया और शेष भाग पार्ट ए मध्य प्रदेश बना। यानी कि जो पार्ट ए है, इन आठ हिस्सों को अलग करके इसको किस में मिलाया गया, इसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो यहाँ पर देखिए, ये जो भाग है इसको हम अलग कर देते हैं, क्योंकि ये बरार वाला जो क्षेत्र है ये बिल्कुल अलग हो गया, और इस तरीके से अब ये हिस्सा बचा मध्य प्रदेश का, कौन सा, ये वाला। हमने आठ यहाँ पर भाग हटा दिए हैं इसके, बुलडाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। इसके बाद पार्ट ए कंप्लीट हो गया, अब हम बात करेंगे पार्ट बी में क्या परिवर्तन आए। देखिए, ये भाग मध्य प्रदेश बना दिया, अब पार्ट बी को भी मध्य प्रदेश में मिलाया गया। कैसे मिलाया गया, मध्य प्रदेश का एक मंदसौर जिला आपने सुना होगा, ये लगा था किससे, राजस्थान से, ठीक है। तो वहाँ की एक तहसील थी भानपुरा, भानपुरा तहसील के किसको, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि जो सुनील टप्पा राजस्थान में पड़ता था उसको छोड़ दिया और पूरे भाग को किस में मिला दिया गया, मध्य प्रदेश में। यानी कि पार्ट बी में से कौन कौन से हिस्सों को अलग किया गया, एक था भानपुरा जो मंदसौर जिले में पड़ती थी तहसील, उसका एक गांव सुनील टप्पा, सुनील टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया और शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। एक ये परिवर्तन आया, और दूसरा परिवर्तन आया कोटा जिले की सिरोंज तहसील। आपको मालूम होगा कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील है वो विदिशा जिले में पड़ती है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। पहले वह कोटा जिले की तहसील हुआ करती थी, उसको अलग किया गया और उसको मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिलाया गया। यानी कि पार्ट बी में दो परिवर्तन किए गए, सुनील टप्पा को अलग किया गया राजस्थान में मिलाकर, और सिरोंज तहसील को मिलाया गया किसमें, मध्य प्रदेश में। ये दो हिस्से थे, और शेष पार्ट बी को, पूरे के पूरे पार्ट बी को हमने किस में मिला लिया, मध्य प्रदेश में। अभी देखिए, ये दोनों मिल गए हैं, अब ना तो स्टेट पार्ट मध्य भारत, ये कुछ नहीं बचा, अब ये भाग हो गया पूरा मध्य प्रदेश। तीसरा हिस्सा था स्टेट सी, और स्टेट सी को बिना किसी परिवर्तन के कंप्लीट ऐसा का ऐसा पूरा मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। यानी कि मध्य प्रदेश अब ये हो गया मध्य प्रदेश, और 1 नवंबर 1956 को इन तीनों स्टेट को मिलाकर एक नाम दिया गया मध्य प्रदेश, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा सुझाया गया था, क्योंकि यह भारत के मध्य में पड़ता था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो जो भोपाल था, भोपाल को मध्य प्रदेश की कैपिटल बनाया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया, किसको, भोपाल को। तो भोपाल 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी बनती है। साथ ही साथ हम बात करें, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश गठन हुआ, तो उस समय वर्तमान मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, और जो भोपाल थी वो सीहोर जिले की तहसील थी, वो जिला नहीं था।
तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, अभी इसमें देखिए छत्तीसगढ़ इंक्लूड है, इससे जुड़ा हुआ है, और राजधानी भोपाल है जो कि उस समय सीहोर जिले की तहसील थी। तो ये होता है मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को। अब आता है इन 43 जिलों का, और वर्तमान में अभी जैसे हम 52 जिलों की बात करें तो वर्तमान में जो ज़िले हैं किस तरीके से, कब कब कौन से ज़िले बनाए गए, वो होता है जिलों का गठन। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जिलों का गठन कब कब किया गया तथा किन किन समितियों के द्वारा मध्य प्रदेश के जिलों का गठन हुआ, ठीक है, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। यदि पसंद आएगा आप लोगों को तभी मैं आगे कंटिन्यू आपको एमपी जीके के वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।